कोई डाउट नहीं है कि आजकल नॉर्थ इंडस्ट्री वर्सेस साउथ इंडस्ट्री की ये डिबेट हर जगह ही सुनने को मिलने लगी है, जहां हिंदी ऑडियंस भी साउथ की फिल्म्स को काफी लाइक करती है और उन्हें अच्छा बिजनेस करने का मौका भी देती है, तो वहीं रणवीर सिंह से है कुछ लोगों को प्रॉब्लम। वेल, ऐसा क्या हुआ कि रणवीर होने लगे ट्रॉल? दरअसल कुछ ही दिन पहले रणवीर ने ट्वीट करते हुए शेयर किया अपकमिंग तमिल लैंग्वेज एक्शन थ्रिलर फिल्म विक्रम का ट्रेलर, जहां उन्होंने लिखा, चीयर्स टू माय टैलेंटेड फ्रेंड लोकेश एंड द लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा कमल, दिस ट्रेलर इज फायर। रणवीर के बस ट्रेलर शेयर करने की ही देर थी कि यूजर्स ने करना शुरू कर दिया उन्हें ट्रॉल। अगर कोई लिखता नजर आया कि उधर इनकी लंका बॉलीवुड जली पड़ी है, टॉलीवुड को प्रमोट करने चले आए, तो वहीं किसी ने बोला दैट नाउ सडनली बॉलीवुड इज फाइंडिंग फ्रेंड्स इन साउथ, और कुछ ने तो ये तक कह डाला कि यू हैव टाइम टू प्रमोट अदर इंडस्ट्री फिल्म बट यू डोंट हैव टाइम टू प्रमोट योर इंडस्ट्री फिल्म धाकड़। यानी हिंदी ऑडियंस में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ देखना चाहते हैं बॉलीवुड की फिल्म्स को और बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते साउथ इंडस्ट्री की फिल्म्स को। वहीं जहां इस इंडस्ट्री को चलाने वाले स्टार्स की बात आती है, वो तो अब खड़े नजर आते हैं इन फुल सपोर्ट ऑफ साउथ इंडस्ट्री। यानी जहां रणवीर ने सपोर्ट किया टॉलीवुड को, तो वहीं मिस्टर खिलाड़ी और केजो भी पीछे नहीं है। हाल ही में करण ने ओपनली प्रेज किया साउथ फिल्म इंडस्ट्री को बाय सेइंग, वी आर प्राउड ऑफ RRR, KGF एंड पुष्पा विच डिड फिनोमिनल बिजनेस। दीज फिल्म्स हैव रेज्ड द बार ऑफ इंडियन फिल्म्स, टोल्ड अस दैट आवर स्टैंडर्ड्स कैन बी सो मैसिव एंड वी कैन रीच सो फार अहेड। वहीं अक्षय कुमार ने भी हाल ही में इस डिबेट पर कहा, दैट द डे वी अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर वन इंडस्ट्री, आई थिंक थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग मच बेटर। यानी जहां पहले इंडियन सिनेमा को पहचाना ही बॉलीवुड के नाम से जाता था, तो वहीं अब टॉलीवुड और कॉलीवुड करने लगे हैं राज। जिस पर सामने आ रहे हैं अगर स्टार्स के ओपिनियंस, तो वहीं ट्विटर यूजर्स भी नहीं रह रहे चुप। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप्स, कीप वॉचिंग बूगल बॉलीवुड।